अगर हस्बैंड एंड वाइफ साथ में मिलकर काम करें तो वो कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। मोबीक्विक इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है बिकॉज इस कंपनी को फंड्स की जरूरत है अपनी फर्दर एक्सपेंशन के लिए। अपने आईपीओ के लिए इस कंपनी ने रिसेंटली सेबी के पास DRHP फाइल कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी का एक आईपीओ स्ट्रक्चर जानेंगे, कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में जानेंगे, लास्ट में कुछ ऐसे फैक्टर्स जानेंगे जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। मैं हूं सी प्रदीप राजपूत। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। मोबीक्विक, इस कंपनी का एक्चुअल नाम है वन मोबीक्विक सिस्टम्स लिमिटेड। बेसिकली इट्स अ फिनटेक कंपनी। अगर आपको इस कंपनी के बारे में जानना है तो आप इस कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करके देखिए। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलेगा दैट इस कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके आप डिफरेंट यूटिलिटी सर्विसेज की बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर यूटिलिटी सर्विसेज प्रीपेड हैं तो उनको रिचार्ज कर सकते हैं। आप इनके प्लेटफॉर्म से लोन ले सकते हैं, डिफरेंट लोन्स की EMI पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीद सकते हैं एंड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी खरीद सकते हैं। रिसेंटली इस कंपनी ने एक सर्विस लॉन्च की है जिसके थ्रू आप इस कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं एंड आपके पास से ये पैसे जाएंगे विद इन 15 डेज या विद इन 1 मंथ। इस सर्विसेज को हम बोलते हैं बाय नाउ पे लेटर। ये भी इस कंपनी की रेवेन्यू का एक मेजर सोर्स है। ये कुछ सर्विसेज थे जो आप इस कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में 30 लाख से ज़्यादा ऐसे मर्चेंट्स हैं जो इनके मोबाइल वॉलेट को यूज़ करके पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं एंड साथ ही साथ ये कंपनी एक पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म भी ऑपरेट करती है। सो बेसिकली इट्स अ फिनटेक कंपनी एंड ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो इस कंपनी ने अपनी रेवेन्यू को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है बाय नाउ पे लेटर सर्विस, दूसरी कैटेगरी है कंज्यूमर पेमेंट सेगमेंट एंड थर्ड कैटेगरी है पेमेंट गेटवे सर्विसेज। अभी तक इस कंपनी के 1,20,00,000 से ज़्यादा यूजर्स हैं एंड 30 लाख से ज़्यादा मर्चेंट्स हैं जो इनकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। ये एक ब्रीफ था इस कंपनी के बारे में। अब जानते हैं इस कंपनी की एक ब्रीफ हिस्ट्री। ये कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड उसके बाद से लेकर अभी तक ये कंपनी कंटिन्यूस बेसिस पर अपनी फर्दर एक्सपेंशन के लिए डिफरेंट इन्वेस्टर्स से फंड्स रेज करती आ रही है। ये कुछ इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं एंड ये सारे के सारे अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। 2009 में इस कंपनी ने वॉलेट सर्विसेज लॉन्च कर दी थी एंड 2010 में इस कंपनी ने अपना पेमेंट गेटवे लॉन्च कर दिया था। 2012 में इस कंपनी ने गूगल प्ले पर अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था एंड 2013 में इस कंपनी ने एप्पल के ऐप स्टोर पर अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। 2015 एंड 2016 में इस कंपनी ने बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज मर्चेंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी थी। मतलब 2015 एंड 2016 से बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज मर्चेंट्स इनके मोबाइल वॉलेट को यूज करके पेमेंट एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। 2018 में इस कंपनी ने ऑनलाइन वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टल क्लियर फंड को अक्वायर किया था एंड 2019 में इस कंपनी ने बाय नाउ पे लेटर की सर्विसेज लॉन्च कर दी थी। 2020 में इस कंपनी को IRDA से कंपोजिट एजेंट का लाइसेंस मिल गया था एंड रिसेंटली ये कंपनी वीजा के साथ मिलकर एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च करने वाली है। अगर हम इस कंपनी के आईपीओ के बारे में जाने तो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 1900 करोड़ रुपीज का। इसमें से 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है एंड रिमेनिंग पैसे कंपनी के पास आएंगे एंड जो पैसे कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का कंपनी यूज करेगी अपनी ऑर्गेनिक एंड अनऑर्गेनिक एक्सपेंशन को फंड करने के लिए। ऑर्गेनिक एक्सपेंशन का मतलब कंपनी डिफरेंट सर्विसेज लॉन्च करेगी, अपने पोर्टल पर और कंज्यूमर को ऐड करेगी। इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन का मतलब है कंपनी किसी एक कंपनी को अक्वायर कर लेगी जिससे इस कंपनी का यूजर बेस बढ़ जाएगा एंड सर्विसेज ऑफरिंग भी बढ़ जाएगी एंड कुछ पैसों का कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। ये सभी आईपीओज में होता है। इस कंपनी का ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के बीच में इस हिसाब से डिवाइड होगा। अभी इस कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने में टाइम है इसलिए इस आईपीओ की डेट्स, आईपीओ का प्राइस, लॉट साइज हमें बाद में पता चलेगा। अब बात करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। एक्सपेक्टेड है दिस इस कंपनी का आईपीओ $1 बिलियन की वैल्यूएशन पर आने वाला है। इस हिसाब से अगर हम इस कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो ये बिटवीन 15-25 के सेल्स मल्टीपल पर इस कंपनी की वैल्यू होगी। आपको पता है जोमेटो का आईपीओ आया है अप्रोक्सीमेटली 30 के सेल्स मल्टीपल पर। अब जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स।
ये इस कंपनी की नेट एसेट्स पोजीशन है। अगर हम इस कंपनी की नेटवर्थ देखें तो ये लगातार तीनों सालों में नेगेटिव है। इसका मतलब ये है दैट इस कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो सिर्फ उतना फंड रेज करते हैं जितना उस कंपनी को जरूरत है। काफी सारे स्टार्टअप्स क्या करते हैं, वो एक ट्रांच में बहुत सारा फंड रेज करते हैं एंड उस फंड को काफी लंबे टाइम तक यूज करते रहते हैं। ऐसा इस कंपनी के साथ नहीं है एंड उस केस में कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपनी शेयर होल्डिंग से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा इस कंपनी के केस में नहीं लग रहा है। ये इस कंपनी के सेल्स है जो एक हेल्दी सीएजीआर से इंक्रीज होती जा रही है, हालांकि इसमें कोविड का इंपैक्ट दिख रहा है। ये एक स्टार्टअप कंपनी है इसलिए हम इसमें एबिटा मार्जिन, नेट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी बात नहीं करेंगे। स्टार्टअप्स बेसिकली जाने जाते हैं अपने लॉसेस के लिए एंड ये इस कंपनी की लॉसेस पोजीशन है। अगर हम इस कंपनी के कैश फ्लोज की बात करें तो ये इस कंपनी के कैश फ्लो पोजीशन है। सो अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो ये एक बैलेंस पोजीशन रिफ्लेक्ट करती है। मतलब कंपनी के प्रमोटर सिर्फ उतना फंड रेज करते हैं जितने की कंपनी को रिक्वायरमेंट है, कोई एडिशनल फंड रेज नहीं करते। कंपनी के लॉसेस एज कम्पेयर टू अदर स्टार्टअप्स काफी कम है एंड कंपनी अपने एक्सपेंसेस को भी कंटिन्यूसली ट्रैक करती आ रही है। बीच में कोविड आ गया था, इसकी वजह से ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। सो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का एक IPO स्ट्रक्चर जाना। अब जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसिडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस IPO। इसमें सबसे पहला फैक्टर है कंपनी की वैल्यूएशन। कंपनी का IPO अप्रोक्सीमेटली $1 billion की वैल्यूएशन पर आने वाला है एंड इस हिसाब से इस कंपनी की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 15-25 के सेल्स मल्टीपल पर। ये स्टार्टअप के हिसाब से एक रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो देयर आर चांसेस दैट इस कंपनी के IPO को फेवरेबल रिस्पॉन्स मिलेगा, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन होगी एंड बम्पर लिस्टिंग भी होगी, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है इस कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। ये कुछ इस कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है एंड अगर इस तरह के इन्वेस्टर्स आपकी शेयर होल्डर लिस्ट में होते हैं तो आप हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करते हैं। अगेन देयर आर चांसेस दैट इसका भी इस कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट, दैट मींस देयर आर वेरी लेस चांसेस दैट कंपनी का IPO एक सस्ते वैल्यूएशन पर आएगा। उसके बाद अगला फैक्टर है टू मच कॉम्पिटिशन। बेसिकली ये कंपनी फिनटेक कंपनीज की कैटेगरी में आती है एंड इस कैटेगरी में आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। कंपनी का साइज भी इतना बड़ा नहीं है दैट देयर आर चांसेस दैट फ्यूचर में कंपनी को काफी टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़े। अगला फैक्टर है पेटीएम का IPO एंड उसकी ऑफरिंग। आप इस कंपनी की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को देखिए, आप पेटीएम की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को देखिए, पेटीएम ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज कवर करता है जो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इन एडिशन टू दैट पेटीएम और भी काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वहां पर इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के कंपेयर में ज्यादा रिस्क डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। पेटीएम इस कंपनी से बड़ी कंपनी भी है, पेटीएम के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, पेटीएम कॉम्पिटिशन वाइज इस कंपनी के हिसाब से ज्यादा वेल पोजिशनड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन इस कंपनी का साइज, अपने कंपटीशन में ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है, दैट मींस फ्यूचर में इस कंपनी में काफी ज्यादा ग्रोथ आ सकती है। उसके अलावा ये कंपनी एक टेक ओवर टारगेट भी हो सकती है। दोनों केस में इन्वेस्टर्स को बम्पर गेन हो सकता है। सो आपको इस कंपनी के IPO को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना, ये आपका पर्सनल डिसीजन है एंड प्लीज कॉन्टेक्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस IPO। बट जो भी अभी हमने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं वो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस IPO। ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट द MobiQuick अपकमिंग IPO। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।